इन दिनों बिहार की राजनीति में बयानों का बाजार गर्म है। वहीं आज बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा के कल दिए गए बयान के ऊपर सवाल पूछने पर जदयू मंत्री मदन सहनी ने कहा कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं है, ना कि अधिकारी से तालमेल बैठाएंगे। वह अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखें, मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सीमा में रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री पूछने वाले कौन होते हैं, उनको दो दो विभाग मिला हुआ है, इसलिए वह ज़्यादा खुश हैं। शनिवार को एक निजी कार्यक्रम के तहत समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मुजफ्फरपुर में थे, वहीं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा भी मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आए हुए थे। इसी बीच बयानों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। वहीं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज भी अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ वहाँ पर अफसरशाही बिल्कुल नहीं है, हो सकता है कि उनके किसी और मामले में अधिकारियों से नहीं बन रही होगी। भाजपा और जदयू दोनों मंत्रियों के बीच तलीखियां इतनी बढ़ चुकी हैं, उन्हें सीमा में रहने की हिदायतें भी दी जा रही हैं। जदयू के मंत्री मदन सहनी का यह बयान कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में भूचाल मचाने के लिए काफ़ी है। एक तरफ जहां जदयू और भाजपा अटूट गठबंधन का ढिंढोरा पीटती है, वहीं दूसरी तरफ दोनों मंत्रियों के बयान से आप मनमुटाव और मतभेद को साफ देखा जा सकता है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपोलो का जो उद्घाटन समारोह में आए इसी से संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बात करना होगा हमने पहले ही बोल चुके हैं और यहाँ से हम अभी पटना जाएंगे तो उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। जीवेश मिश्रा जी का एक बयान आया है, उसी पर प्रतिक्रिया चाह रहे थे कि अधिकारियों से तालमेल जो है बेहतर नहीं बैठ पाने की वजह से। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं ना हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे, ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखे। उन्होंने कहा कोई दूसरा मामला होगा इसलिए वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम उनको जानते हैं, हमारे जिला के हैं, जिस धंधा से वो जुड़े रहे हैं ना उस धंधा के हम उससे ज़्यादा जानकार लोग हैं, वो भी दवा धंधा से आए हैं, उनको अपना सीमा में रहना चाहिए। स्थानांतरण को लेकर मंत्री जी को क्या परेशानी? उनको दो दो विभाग मिला हुआ है, वो ज़्यादा खुश हैं और हमको ये जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन जो वो बोले हैं प्रमाण, तो प्रमाण पत्र लेने वाले हमसे कौन होते हैं? संचिका मुख्य सचिव तक पहुंचा हुआ है, उसको इसका दो दिन से क्यों नहीं निराकरण कर रहे हैं, और वो कौन होते हैं हमसे प्रमाण पत्र लेने वाले? अपने सीमा में रहना चाहिए उनको। नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व तो मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है, उन विभागों में केवल जनता का राज है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि है वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी विभाग में हो सकता है अब घर है तो नोकझोंक किसी विषयों को लेकर के, किन्हीं विषयों को लेकर के हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। सरकार चुने हुए, ये जनता की सरकार है और चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार को चला।